सो आज के इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके घर को थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स, थोड़ी छोटी छोटी क्लीनिंग हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके काम आएंगे। काफी मेरे काम आए हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, इसलिए प्रैक्टिकल है, मतलब मैंने उसको ट्राई किया है, उसके बाद ही आपके साथ शेयर किया है। तो काफी अच्छे आइडियाज हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी। सो हाय गाइस, माई सेल्फ बर्सा एंड वेलकम बैक टू द चैनल माई होम हैक्स। मैं यहाँ शेयर करती हूँ काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, DIY आइडिया, काफी सारे होम से रिलेटेड आइडियाज। सो अगर आप इस तरह की वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, रेड बटन को दबाकर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को करते हैं शुरू, के ना किसी देरी के। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं और सारा सामान यहाँ का वहाँ कर देते हैं, जैसे स्केचेस हुई, कलर्स हुए, पेन पेंसिल हुए, तो उनको एक अच्छी जगह ऑर्गेनाइज करना और उनको एक जगह पर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह के स्केचेस हुए, पेन हुए, वो तो हमेशा ही इनके कैप्स हटा देते हैं, खो देते हैं और स्केच ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह के अगर सारे के सारे जो कलर होते हैं, इनमें से कई खो गए हैं, दो तीन खो गए हैं, जैसे ही आए उसने सारे कैप यहाँ वहाँ कर दिए रास्ते में ही, तो मैं यहाँ आके इनको कर रही हूँ सिक्योर। और सिक्योर करने के लिए सेलो टेप लेना है और सारे कैप्स को इस तरह मैंने कर दिया है, और इनको दो चार बार राउंड कर देंगे इस टेप को, ताकि सारे कैप उसमें लग जाएँ और वो यहाँ के वहाँ नहीं हों। इससे होगा क्या कि जब भी कैप निकालेंगे, कैप उसी में रहेंगे, सिर्फ स्केच ही निकलेगी, और जब वो लिख लें या यहाँ वहाँ पड़े हों, तो आप इजीली यहाँ पर जाके इसमें लगा सकते हैं, तो कभी भी स्केच खोएंगे नहीं और एक ही जगह सिक्योर रहेंगे। तो ये आइडिया काम आएगा मॉम्स के लिए जिनके बच्चे यहाँ वहाँ कर देते हैं। जी, इसी तरह से पेन भी कर सकते हैं, इसकी तरह से काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स लेके इनको सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लीनिंग आइडिया पे चलते हैं, और इस तरह हर किसी की बॉल गंदी हो जाती हैं जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ना देख पाओ तो वो हमेशा ही इस पर कलर चला देते हैं, पेन चला देते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक घोल तैयार करना है, जिसमें लिया है मैंने पानी एंड बेकिंग सोडा, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कोलगेट लेना है, और जहाँ पर भी ये गंदे हैं ना, वहाँ पर कोलगेट को लगा देना है। अगर इस तरह से लगाने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो सीधा स्क्रबर में उस कोलगेट को ले लें और पूरे में ही लगा दें, एक दो मिनट छोड़ दें अगर छोड़ना चाहें टाइम हो, वरना ऐसे ही उस घोल को पानी में लेकर और पूरे में हल्के हाथों से स्क्रब कर दें। थोड़ा स्क्रबर थोड़ा सा सॉफ्ट लेना है, ताकि कलर पेंट ना निकल पाए, और बहुत हल्के हाथों से करना है। तो ये दाग सारे के सारे ईजिली रिमूव हो जाएंगे, पेन के हों, कलर के हों, पेंसिल्स के हों। तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, जितने भी गंदे दाग हैं सारी बॉल ईजिली कोलगेट से साफ़ हो जाएगी। बस एक स्क्रबर में कोलगेट लेना है और अच्छे से इसको साफ़ कर देना है, एंड सारी बॉल को अच्छे से क्लीन करने के बाद थोड़ा टाइम लेगी, जितनी भी एरिया आपका गंदा है तो टाइम लेगा ही लेगा, जितना लेना चाहिए। एंड उसके बाद गीली टॉवल से इसको अच्छे से वाइप कर लेंगे, और ये जब सूख जाए तो आप देख सकते हैं फ़र्क कितनी गंदी थी और अभी कितनी क्लीन हो चुकी है। तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट हैक। यहाँ पर मैंने एक स्प्रे बोतल में पानी लिया है, एंड इसमें डाला है डिटॉल, और इसको एक स्प्रे बनाने वाली हूँ मैं, मैजिकल स्प्रे, जिससे आपके कीड़े मकोड़े चींटियाँ दूर रहेंगे आपके यहाँ से। और इसमें डाला है विनेगर एंड थोड़ा सा नमक, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये इसमें डिशवॉश भी डालना है थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्लीन करने के लिए वहाँ पर वो ऑयली चीज़ हो तो वो साफ़ अच्छे से हो जाए। एंड यहाँ पर अब ये मेरा मैजिकल स्प्रे तैयार है, ये जहाँ पर भी स्प्रे करेंगे और साफ़ करेंगे तो वहाँ पर मक्खियाँ नहीं आएंगी, स्पेशली मक्खियों से दूर रहेंगे, क्योंकि डिटॉल और नमक से मक्खियाँ थोड़ा कम आती हैं। और इसमें विनेगर डला हुआ है एंड डिशवॉश डला है, तो कोई भी चीज़ क्लीन कर लो एकदम जगमगा जाएगी, एकदम शाइनिंग उसमें बहुत अच्छी सी आ जाएगी। तो नॉर्मली तो लोग बाग ऐसे ही करते हैं, पहले मैं डिटॉल और उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करती थी, बट अब मैं ये करती हूँ और वो बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बनकर रेडी हो जाता है अपने क्लीनिंग के लिए।
इलायची के रेट तो भाई आसमान छू रहे हैं, और ऐसे में अगर एक इलायची भी वेस्ट हो जाती है तो बड़ा दुख होता है कि भाई इलायची वेस्ट हो गई है। तो इसको अब पूरा ही यूज़ करने के लिए अगर कभी कभी उसका पाउडर भी डालना पड़ता है, खीर वगैरह बनाओ या कुछ बनाओ, एंड उसके जो छिलके होते हैं वो तो फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैंने इलायची नहीं और इस तरह से उनको कूट लेती हूँ जब भी मुझे चाहिए होती है थोड़ी सी क्वांटिटी में, एंड थोड़ी ज़्यादा ही कूट लेती हूँ। और जो ये बचे हुए छिलके हैं इनको करती हूँ अपने चाय पत्ती में ऐड, क्योंकि मैं जब भी डालती हूँ तो एक इलायची ज़रूर डालती हूँ चाय में, तो इस तरह से उसमें फ्लेवर भी आ जाएगा और अलग से कोई इलायची कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये पाउडर है उसके जो मोटे मोटे दाने बच गए हैं उनको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा चाय पत्ती में, और जब भी चाय बनाओगे तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो इलायची पाउडर है ये भी एक छोटी, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी में है तो छोटी सी एक डिब्बी चाहिए होगी, तो मेरे पास एक पड़ी हुई थी, ये सूख गए हैं, कलर्स ख़त्म हो गए हैं एक्रेलिक कलर, तो उसको नेल पेंट रिमूवर से मैं साफ़ कर दूंगी, इसमें थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर डाल दूँ तो ये सारा कलर इजीली साफ़ हो जाता है। साफ़ होने के बाद इसके स्टिकर को भी मैं निकाल कर और अच्छे से स्क्रब कर इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये डिब्बी ना छोटी सी बहुत प्यारी सी क्यूट सी डिब्बी एक अच्छा स्टोरेज बॉक्स का काम करे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जब स्टोर करनी होती ना ये छोटे छोटे क्यूट से जार्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी ग्लास के हों जब। तो इसमें मैंने इलायची डाल दी है, थोड़ा सा पाउडर है लेकिन ये मैं कम ही यूज़ करती हूँ तो काफ़ी दिन चल जाएगा, तो मैंने इसको एक ग्लास जार में भर के रख दिया है और ये बहुत क्यूट लग रही है। ऐसे आप अपनी बच्ची को जी छोटी छोटी वेस्ट बोटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये कॉफ़ी के काफ़ी सारे जार्स आ जाते हैं कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद, और मैं ऐसे छोटी ही कॉफ़ी का जार मंगाती हूँ क्योंकि मुझे ये क्यूट लगती हैं बहुत। तो ये जब खाली हो जाती हैं तो इनके स्टिकर निकाल के बॉस करके इनको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने इलायची लौंग कुछ मैं अपने इस तरह के सारे, अगर काफ़ी सारी बोटल्स हैं और इस तरह के माउथ फ्रेशनर आपको पसंद है रखना तो सारी बोटल्स में कलरफुल रख सकते हैं, क्यूट लगेंगे। और ये थोड़ा लग टाइप का है जिसमें थोड़ा बड़ा है, तो मैं लहसुन को पील करके रख लेती हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी मेरी डिब्बियाँ यूज़ हो जाती हैं और फेंकनी नहीं पड़ती हैं, और ये ग्लास बोटल्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर आपके काम आएंगे और वेस्ट सामान को फेंकने से बच जाएंगे। ओके दोस्तों, सो आज का ये वीडियो रहा कैसा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है काफ़ी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सो चलिए आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।